पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ गधा फिर से वापस जंगल में आ जाता है। सियार की ये कोशिश सफल हो जाती है। तो जैसे ही गधे को जंगल में देखकर शेर क्या करता है, उस पे आक्रमण करता है और गधे को मार देता है। तो उसके बाद शेर क्या करता है, नहाने चला जाता है। इस बीच सियार ने उसका दिल और दिमाग दोनों खा लेता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आगे क्या होता है। शेर स्नान करके वापस जब लौट आता है तो उसकी नजर वहां मरे हुए गधे पर पड़ती है। उसे देखकर शेर सियार से कहता है कि अरे सियार के बच्चे, तूने मेरा भोजन जूठा कैसे कर दिया, तूने इसका हृदय और सिर कैसे खा लिया। तो इसका आंसर सियार देता है कि महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है, इस गधे का दिल और दिमाग था ही नहीं, अगर होता तो यहाँ दोबारा मेरे साथ जंगल में नहीं आता। तो ये बात सुनकर शेर को सियार की बातों पर विश्वास हो गया। और ये सब होने के बाद शेर क्या करता है, आनंद और शांति से अपना भोजन करने लगता है। तो यही था मूर्ख गधा की कहानी। इसीलिए आप सब लोगों को भी अपने जीवन में मूर्खता से नहीं जीना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए।